हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं चिकन मोमोज। तो सबसे पहले आपको चिकन ले लेना है, ग्राइंडर में पीसना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट लेना है, सोया सॉस ऐड करना है, विनेगर ऐड करना है और सॉल्ट ऐड करना है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। आपने ये जो मिक्सचर है इसे लाइक पका हुआ रेशा चिकन करते हैं वो मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है, तो मैं चिकन को डायरेक्टली यूज़ करती हूँ फॉर मोमोज। अब हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिया, सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली सॉस और सॉल्ट, ठीक है। और इसे हमने बारीक पीस लिया है। तो फिर हमने दो कांदे बारीक चॉप कर लेना है और प्याज की जो भाजी होती है उसे चॉप करना है बारीक, और ये तीनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब इसे मिक्स होने के बाद हम मैदे का रोटी बनाएंगे, और पूरी के लिए जो हम साइज़ में रोटी कट करते हैं वो साइज़ में हमें छोटी छोटी रोटी कट कर लेना है। और फिर इसमें हम बीच में ये जो बैटर बनाया है चिकन का उसे प्लेस करेंगे और फिर इसे मोदक जैसा शेप देंगे, ठीक है। फिर हमें मोदक जैसे शेप देते देते सारी पूरी इसको कंप्लीट करना है, यानी सारी जो बैटर जितना बचा है उसे कंप्लीट करना है। और फिर हमें सेकंड गैस पर अपने स्टीम के लिए मोमोज को स्टीम देना है, तो वो ऑन कर लेना है गैस और गर्म पानी रखना है। ऊपर से आपने उस पर कोई भी एल्युमिनियम फॉइल वगैरह रख कर उसके ऊपर ये मोमोज रख देना है। तो मोमोज ऑलमोस्ट स्टीम से अच्छे खासे 50% पक जाते हैं। तो फिर आपने उसे 40-50% स्टीम करके पकाना है, डायरेक्टली फ्राई नहीं करना है। स्टीम करके पकाने के बाद आपने उसको, ये देखिए सारे मोमोज तैयार हो चुके हैं, इसे मैं सारे को स्टीम करने रखूँगी। स्टीम करने के बाद इसका कलर डिफरेंट हो जाता है, अभी आप देख सकते हो इसका कैसा कलर एंड शेप है। अब हमने इसे स्टीम कर लिया तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं, 40-50% पक जाते। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे तेल में, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। और यू कैन हैव इट विथ एनी थिंग लाइक सॉस और विथ मायोनीज। सो इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो टिल दैट, बाय बाय।